दो दिन है इस घर में रहना, आखिर जाना जरूरी रे, आखिर जाना जरूरी रे, दो दिन है इस घर में रहना, आखिर जाना जरूरी रे, आखिर जाना जरूरी रे, इस हित में धन जन को जोड़ू, किस हित में धन जन को जोड़ू, झूठा राज जगीरी रे, आखिर जाना जरूरी रे, आखिर जाना जरूरी रे, मांस की छाजन ऊपर चाम मढ़ीरी रे, हाड़ की छछरी मांस की छाजन ऊपर चाम मढ़ीरी रे, दुख का कोच नरक तन मैला, दुख का कोट नरक तन मैला, जिसका करे गरूरी रे। पूजनी श्री साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु कबीर ने बीजक में एक पद कहा है, उसके प्रारंभ की कुछ पंक्तियों पर कुछ निवेदन प्रस्तुत है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, कबीरा तेरो घर कंदरा में यह जग रहत भुलाना, गुरु की कही करत नहीं कोई अमहल महल दीवाना, सकल ब्रह्ममो हंस कबीरा कागन चोंच पसारा, मनमथ कर्म धरे सब देही नाद बिंद विस्तारा। कबीरा तेरो घर कंदरा में, कबीर साहब अपने को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि ऐ कबीर, तुम्हारा घर, तुम्हारा विश्राम स्थल कंदरा में है, गुफा में। अपने बहाने साहब लोगों को संबोधित करते हैं कि ऐ लोगों, तुम्हारा घर, तुम्हारा विश्राम स्थल कंदरा में, गुफा में। कल्पना करें, आदमी का अपना कोई घर न हो, कोई विश्राम स्थल न हो,
तो उसकी क्या दशा होगी, खेत में, खलिहान में, दफ्तर में, कारखाना में, दिन भर आदमी काम करता है, तो रात्रि में विश्राम करने के लिए कोई एक निश्चित मुकाम उसका होता है जिसे वो घर कहते हैं, और ना हो तब कितनी असुविधा, कितनी पीड़ा होगी आदमी को। तो शरीर के विश्राम के लिए, शरीर के निवास के लिए तो हम घर बनाते हैं, लेकिन अपने आप के विश्राम के लिए, अब जीव के विश्राम के लिए, मन के विश्राम के लिए क्या हमने कोई अपनी जगह बनाई है, अपना कोई घर बनाया है? उसके लिए कोई घर नहीं है और कोई चिंता भी नहीं है आदमी को। और ये भी है कि बाहर कोई ऐसा विश्राम स्थल नहीं है जहाँ जाने के बाद मन को पूरा विश्राम मिल जाए, पूरी शांति मिल जाए, तृप्त हो जाए मन। उसके लिए अंदर लौटना होगा। उसी के लिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि कबीरा तेरो घर कंदरा में, ऐ लोगों तुम्हारा घर कंदरा में है। कंदरा गुफा, वो गुफा किसी पर्वत की गुफा नहीं है, वह गुफा है हृदय गुफा। सीधी बात है, सद्गुरु कहते हैं कि जिस राम को, जिस ब्रह्म को, जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो बाहर, वह तुम्हारे हृदय गुफा में ही निवास कर रहा है, विराजमान है। हृदय गुफा भी शरीर संबंध से कहा जाता है। शरीर संबंध से हम जीव को हृदय निवासी कहते हैं। शरीर ना हो तो हृदय निवासी भी नहीं कह सकते। जीव की अपनी स्थिति तो अपने आप में होगी, लेकिन हम लोग शरीर से परिचित हैं। शरीर में आज हमारा निवास हो रहा है, इसलिए कहा जाता है हृदय गुफा। कितना भी मन हमारा भटक ले चारों तरफ, कहीं मन को चैन नहीं मिलेगा, कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। विश्राम तभी मिलेगा जब मन बाहर से लौट करके अंतर्मुख होगा। अंतर्मुखता में पूरा विश्राम है, लेकिन हमारा मन बना है बहिर्मुख, क्योंकि हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ खुली हुई हैं। आंखें बाहर की तरफ खुली है, बाहर को देखती है, कान बाहर को सुनते हैं, नाक बाहर से गंध ग्रहण करती है, जीव बाहर से स्वाद ग्रहण करती है, त्वचा बाहर से स्पर्श करती है, और मन इनके पीछे दौड़ता रहता है। इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण करने में आता है, मन उनका ही संकल्प करता रहता है, उनकी ही याद में डूबा रहता है। अब जब मन इंद्रियों के पीछे दौड़ रहा है, इंद्रिय विषयों की याद कर रहा है, तो बहिर्मुख रहेगा ही, अंतर्मुख कैसे होगा? वो तो कोई साधक होता है जो बहिर्मुखता से उब जाता है, बाहर दौड़ते दौड़ते जब थक जाता है, बाहर कहीं विश्राम नहीं मिलता, बल्कि तृष्णा और बढ़ती गई, अशांति बढ़ती गई, तब
वह इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख करता है, तब उसे आत्म साक्षात्कार होता है। इसीलिए उपनिषद के ऋषि कहते हैं, परांश खाने व्यतरण स्वयंभू तस्मात् परांश पश्यत न अंतरात्मन। स्वयंभू प्रकृति ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, तस्मात् परांश पश्यत, इसलिए इंद्रियां बाहर को देखती है, ना अंतरात्मन आत्मा को नहीं देखती, अंतर्मुख नहीं होती है। कश्चित धीरा, कोई धीर विवेकवान, वो क्या करता क्या है, इंद्रियों को समेटता है, अपने को देखता है। बाहर दुनिया है, भीतर दुनिया को देखने वाला जानने वाला है। हम ना हों तो हमें दुनिया का ज्ञान कैसे होगा, लेकिन हम दुनिया को जो जान रहा है उस वो कौन है, हम इसका विवेक नहीं करते। इसलिए जिंदगी भर अपने से अपरिचित रह जाते हैं। किसी शायर ने बहुत बढ़िया कहा है, रूह और जिस्म का रिश्ता भी बड़ा अजीब है, जिंदगी भर साथ रहे लेकिन तरुफ ना हुआ। शरीर और जीव का संबंध, इसका रिश्ता अजीब, जिंदगी भर शरीर और जीव साथ साथ है लेकिन अपने आप का परिचय नहीं हुआ। क्यों? बाहर भटक रहा है मन, इसलिए अंतर्मुख करना होगा उसको, हृदय गुफा में अपनी ओर लौटना होगा। तो कबीरा तेरो घर कंदरा में, सदगुरु कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम्हारा विश्राम स्थल कहीं बाहर नहीं है, कंदरा में है, हृदय गुफा में ही है। अरे सदगुरु कबीर ही नहीं कहते, जितने भी साधक हुए हैं उस सबका अपना अनुभव यही है। उपनिषद में भी बात आती है, ऋषि कहते हैं, अनोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम, तमकृत पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मना। अनोरणीयान जो सत्ता की दृष्टि से, अस्तित्व की दृष्टि से अणु से अणु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जितने भी पदार्थ हैं अस्तित्ववान, उनमें सबसे सूक्ष्म कौन है, जीव है। जीव से सूक्ष्म और कुछ नहीं है। कितना सूक्ष्म है जीव बताना मुश्किल, कैसे बताएंगे? जो कुछ बताएंगे तो इंद्रियों से बताएंगे, और जीव इंद्रियों पकड़ने में आएगा नहीं, वो अभौतिक है। इसलिए यह भी कह दिया गया है उपनिषदों में कि जीव सूक्ष्म तो है, जीव का आकार क्या है, उत्तर देना था। इसलिए कह दिया गया, बाल के जो अग्रभाग है, बाल का नोक, उसके हजारवें हिस्से के बराबर जीव है। अब कुछ कह दिया है कि देखा थोड़ा है, तो जीव सूक्ष्म से सूक्ष्म है, लेकिन महतो महीयान, गुण की दृष्टि से महान से महान है, अस्तित्व की दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से सूक्ष्म से सूक्ष्म, इससे सूक्ष्म कुछ नहीं, सूक्ष्मतम, लेकिन गुणों की दृष्टि से महान से महान। जी से महान और कौन है? जितने ग्रंथ पंथ मत मजहब हैं, इनका बनाने वाला चलाने वाला कौन? सारे ज्ञान विज्ञान का अन्वेषण करने वाला कौन? देवी देवता ईश्वर ब्रह्म परमात्मा स्वर्ग नरक मोक्ष की व्याख्या करने वाला कौन?
ये जीव ही तो है। जीव ना हो दुनिया में क्या रौनकता रहेगी, यह सुंदरता रहेगी? इतनी बड़ी सभा लगी हुई है, यहां जीव ना हो, कोई मनुष्य ना हो, तो इसकी कोई शोभा होगी? ये पंडाल खड़ा होगा, ये पंखे चलेंगे, माइक काम करेगा, सब पीछे किसकी महिमा है? जीव की ही महिमा है। लेकिन आध्यात्मिक और धार्मिक जगत में सर्वाधिक तिरस्कार जीव का ही किया जाता है। जिसे हम रात दिन अनुभव करते हैं उसका तिरस्कार, और जिस जो अनुभव में आता ही नहीं है उसका सत्कार, उसका गुणानुवाद। धार्मिक मतों ने जीव को तुच्छ कह करके, अल्पज्ञ कह करके घोर निरादर किया है जीव का, जबकि वही सबकी व्याख्या करने वाला, सबको मानने वाला, जानने वाला है। इसलिए ऋषि कहते हैं महतो महीयान, गुण की दृष्टि से देखें तो महान से महान है, उससे महान कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। वो है कहाँ? आत्माश्य जंतो निहितो गुहायाम। वह जो जीव है, वह जो चेतन है, वह प्राणियों की हृदय गुफा में निहित है, समय बैठा हुआ है। इस जीव को आप जीव न कहना चाहें तो चेतन कह लें, ये भी ना कहना चाहें तो आत्मा कह लें, ये भी ना सद पसंद ना हो तो अब ब्रह्म कह लें, खुदा कह लें, गाड कह लें, आपकी मर्जी। शब्द बदलने से वस्तु नहीं बदल जाती है, शब्द बदलने से वस्तु का गुण नहीं बदल जाता है। सारे शब्दों से जीव का इशारा किया जाता है, लेकिन हम शब्द की व्याख्या क्या करते हैं हमारी मर्जी होती है। पार्किंसन ज्यादातर जीव और चेतन शब्द का प्रयोग करते हैं। ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, परमात्मा, इन शब्दों का प्रयोग प्रायः नहीं करते, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग करते ही एक आदमी के दिमाग में अजीब नक्शा आ जाता है, जो सर्वत्र व्यापक हो, दुनिया को बनाने वाला हो या क्या क्या हो। लेकिन ब्रह्म कहते किसे हैं? बृहत्वाद ब्रह्म, जो बृहत हो, सबसे महान हो वो ब्रह्म, जो बड़ा हो वो ब्रह्म। बड़ा कौन है? बड़ा आपके भीतर बैठा हुआ जो जीव हो तो बड़ा है। मैंने कहा अभी कि जीव ना हो तो दुनिया में कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा बन पाएंगे? जीव ना हो तो ये बड़ी बड़ी मशीनरी काम कर पाएगी? जीव ना हो तो कोई किताब दुनिया में रहेगी? जीव ना हो तो ये मत, पंथ, संप्रदाय रहेंगे? मूल में क्या है? जीव ही तो है, इसलिए जीव ही सबसे बड़ा है। जीव के आधार पर ही सब कुछ चलता है। हाँ, उसे आप जिस शब्द से याद करना चाहें याद कर ले, शब्दों में न अटके, तथ्य को समझना होगा। तो आत्माश जंतो निहितो गुहायाम, वह जो आत्मा है, जीव है, कहाँ है? निहितो गुहायाम, गुहा में, गुफा में, हृदय में बैठा हुआ है। जब हृदय में बैठा हुआ है, हृदय में ही निहित है, तब अनुभव क्यों नहीं होता? उसका अनुभव कौन करेगा? ऋषि कहते हैं तम कृत पश्यति वीत शोको, जो अकृत हो गए, कर्म प्रपंच से ऊपर उठ चुका है। कर्म प्रपंच से ऊपर उठने का मतलब यह नहीं है कि कर्म करना छोड़ दिया जाए।
कर्म करना छोड़ दिया जाए तो जीवन ही सड़ जाएगा, उन्नति की बात ही अलग है। कर्म करें, जो आदमी जहाँ है वहाँ उसे भरपूर कर्म करना चाहिए। हर आदमी को अपने अपने ढंग से अपनी योग्यता अनुसार कर्मशील होना चाहिए, लेकिन कर्मशील होना अलग है और कर्मों में आसक्त हो जाना, प्रपंच में डूब जाना अलग है। आदमी कर्म कम करता है, प्रपंच में अधिक डूबा रहता है। अकृत होने का अर्थ है कर्म प्रपंचों से ऊपर उठना, कर्म करते हुए भी निष्काम रहना, कर्म करते हुए भी उनमें लिपायमान न होना। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है कि कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सद्गुरु हमें ऐसी युक्ति बताते हैं कि कर्म करते हुए भी अकर्मी निकर्मी कैसे रहा जाए। वह है कर्म करते हुए भी फलाकांक्षा से रहित निष्काम, जो काम करें निष्काम भाव से करें, सेवा समझ कर, कर्तव्य समझ करके करें, तो कर्म करते हुए भी निष्कर्म रहा जा सकता है। यही है अकृत होना। और जो अकृत हो गया विद शोक हो गया, शोक रहित। शोक क्यों होता है? क्योंकि मोह होता है। जब हमारे मन में किसी के लिए मोह होगा तब उसके बिछुड़ने पर शोक होगा। जिसके मन में किसी के लिए कोई मोह नहीं है उसके मन में किसी के बिछुड़ने पर कोई शोक नहीं हो सकता है। तो जो मोह और शोक से रहित वही उसका साक्षात्कार करता है। कैसे करता है? धातु प्रसादान मेहमानम मात्मना। धातुओं के प्रसाद होने पर आत्मा अपनी महिमा में स्थित हो जाता है। धातु क्या है? धातु कहते हैं जो धारण करे। वो कौन है? मन और इंद्रियां। हमारे शरीर को, हमारे जीवन को हमारी इंद्रियां धारण करती हैं। तो जब इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं, मन निर्मल हो गया, तब ये आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित होता है। जब तक जीवन है तब तक इंद्रियों से और मन से काम लेते रहना होगा। आँखों को हम बंद नहीं कर सकते, कानों को हम बंद नहीं रख सकते, नाक को हम बंद नहीं रख सकते, जीभा को बिल्कुल बंद करने कुछ खाए पिए ना काम चलेगा नहीं। आँख नाक कान जीभ त्वचा, ये पांच ज्ञानेंद्रियाँ हमारी हैं और जब तक जीवन है तब तक इन ज्ञानेंद्रियों से काम लेते रहना होगा। ज्ञानी अज्ञानी हर कोई मजबूर है इनसे काम लेने के लिए, क्योंकि जीवन व्यवहार करना होगा। तो इनको समेट करके, इनको बंद करके कैसे घल सकते हैं? लेकिन इनके गलत विषयों का त्याग। इंद्रियों की पवित्रता का अर्थ क्या है? गलत विषयों का त्याग। इस ढंग से न देखें कि देखने के पश्चात मन में विकार उत्पन्न हो। ऐसे दृश्यों को न देखें जिनको देखने से मन विकारी और चंचल होता हो। ऐसी बातें न सुने जिनको सुनने से मन विकारी और चंचल होता हो। ऐसी चीज़ें ना खाएं जिनको खाने से शरीर में मन में उत्तेजना विकार और चंचलता उत्पन्न होते हों। ऐसे गंध ग्रहण ना करें जिससे शरीर में मन में उत्तेजना आए। ऐसा स्पर्श ना करें जिससे मन चंचल उत्तेजित हो। गलत का त्याग, तो गलत का तो त्याग किया जा सकता है, लेकिन अच्छा को ग्रहण ना करें तो काम नहीं बनेगा। अच्छाई को ग्रहण करना होगा। संयम का अर्थ क्या है?
संयम का अर्थ यह नहीं है कि मन और इंद्रियों से काम लेना बंद कर दिया जाए, इन पर पट्टी बांध दी जाए। संयम का अर्थ है विकारी और गलत का त्याग करके जो शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है, उचित है, अच्छा है, उनको ग्रहण करते जाना, बस काम बन जाएगा। तो धातु प्रसादान, धातु के प्रसाद होने पर, इंद्रियों के निर्मल होने पर, मन के निर्मल होने पर ये आत्मा अपने आप में प्रतिष्ठित होता है और वही ऐसा व्यक्ति ही उसका साक्षात्कार कर सकता है। तो खास बात यहाँ यह है, उपनिषद के ऋषि कहते हैं जिस आत्मा को, जिस ब्रह्म को तुम बाहर खोज रहे हो वह हृदय गुफा में ही विराजमान है। सद्गुरु कबीर भी वही बात कहते हैं। तो कबीरा तेरो घर कंदरा में, ऐ लोगों बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है कहीं भी, अंदर लौटने की आवश्यकता है। और अंदर लौटना भी क्या है, अंदर तो है ही। सीधी बात है कि बाह्य चिंतन का त्याग, आत्मचिंतन, जब तक हम जागते रहते हैं तब तक हमारा मन कुछ न कुछ सोचता रहता है। कोई व्यक्ति ध्यान साधना में बैठा और बैठा मानो उसका ध्यान लग गया पूरा, तो उस समय मन ने सोचना बंद कर दिया, कोई चिंतन नहीं, मन में किसी प्रकार का कोई चिंतन, कोई याद, कोई स्मरण, कोई संकल्प न रहना, यही वास्तविक ध्यान है, जिसे कहा गया ध्यानम निर्विषयम मन, मन का निर्विषय हो जाना, निर्विषय पदार्थ रहित, चिंतन रहित, संकल्प रहित हो जाना, ये ध्यान है। इसी सद्गुरु कबीर ने सहज समाधि और सहज ध्यान कहा है। सहज का अर्थ है जिसमें कोई आरोपण ना हो, जिसमें कोई बनावट ना हो, जिसमें कोई पकड़ ना हो, वो सहज। पकड़ने की आदत है, ध्यान में बैठे बस मन सोचना शुरू कर दिया, पकड़ लिया, कुछ न कुछ याद कर लिया। इसलिए लोग कहते हैं ये क्या करें साहब, ध्यान में बैठते हैं तो मन बहुत भागता है, ध्यान में नहीं रहते हैं तो मन कुछ शांत रहता है, बेकार की बात नहीं सोचता, और ध्यान में बैठते हैं तो मन बहुत भागता है, बेकार बेकार की बात सोचता रहता है। क्यों ऐसा होता है? जब हम कोई काम करते हैं तो उस समय हमारा मन उस काम में फंसा रहता, उस काम में लगा रहता है, मन को एक काम मिल गया है उसी में डूबा है, और ध्यान में बैठे तो मन को कोई काम तो मिला नहीं, काम रहित हो गया, तो वो यहाँ वहाँ भागेगा, बेकार बेकार की बातों को सोचता रहेगा, तो कोई ना कोई चिंतन मन में रहता है। इसी संदर्भ में एक बात मैं ये भी कह दूं कि मन की चंचलता का अनुभव किसको नहीं है, हर आदमी का अनुभव है कि मन बहुत चंचल है। ये चंचलता है क्या, चंचलता किसे कहें? सरल शब्दों में हम कहना चाहें तो कह सकते हैं जिस समय जो बात नहीं सोचनी चाहिए उस समय वह बात सोचना, यह मन की चंचलता है। हम आप यहां बैठे हैं, ज्ञान चर्चा चल रही है, आपका शरीर यहां बैठा है, मन घर को सोच रहा, बस ये चंचलता है, क्योंकि इस समय घर के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना भी आप सोचे घर के बारे में, इस समय घर का कोई काम आप नहीं कर पाओगे और यहां का लाभ भी नहीं ले पाओगे। तो जिस समय जो बात नहीं सोचना चाहिए उस समय वह बात सोचना, ये मन की चंचलता है।
उसी चंचलता में सारा समय बीत जाता है, ध्यान नहीं लग पाता। मैं ये कह रहा था कि जब तक हम जागते रहते हैं तब तक हमारा मन कुछ न कुछ सोचता रहता है, और सोचता क्या है, दुनिया के प्राणी पदार्थ देखे सुने हुए जो भोग हैं उनके बारे में सोचता है, चाहे देखे सुने भोग हों चाहे भविष्य की कल्पना हो, आएंगे प्राणी और पदार्थ, प्राणी और पदार्थ एकत्रित क्या सोचेंगे, और जिनको जो सोचते हैं सबका सब अनाथ, अपने से अलग अनात्म चिंतन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मन चंचल होगा और अशांत रहेगा, विकारी होगा। अनात्म चिंतन हमको हमसे दूर ले जाता है, मन एक प्रकार से मूर्छित हो जाता है। इसीलिए स्वामी शंकराचार्य ने कहा अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कस्मलम दुख कारणम, अनात्म चिंतन का त्याग करो, क्योंकि अनात्म चिंतन कस्मल मोह और दुख का कारण बनता है। व्यवहार के लिए अनात्म चिंतन करना होगा तो व्यवहार के लिए करें, जो आवश्यक है जिससे जो जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है उनका चिंतन करें, लेकिन अनावश्यक चिंतन क्यों करते हैं। सुबह से शाम तक जितना हम सोचते हैं उसमें 80-90% अनावश्यक होता है, काम के तो मुश्किल से 5-10% बातें होती है। अनुभव करना चाहें तो आप अनुभव करके देख सकते हैं, किसी दिन अकेले बैठ जाइए, मात्र 1 घंटा के लिए चुपचाप बैठें, और उस समय आपके मन में जो ख्याल आ जाए, जो चिंतन आ जाए, ईमानदारी पूर्वक आप उसको कागज में लिख लें, नोट कर लें, और दूसरे दिन उस कागज को फिर पढ़िए, तो आपको लगेगा कि ये बात तो बेकार की बात है, ये बात मैंने क्यों सोचा, ये बात भी बेकार है, ये बात भी बेकार है, ये बात भी बेकार है, आपको अनुभव हो जाएगा। अब अनुभव ही नहीं होगा, अकेले में बैठकर 1 घंटे के अंदर आपके मन में जो विचार आए और आपने ईमानदारी पूर्वक ज्यों का त्यों उन विचारों को लिख लिया है कागज में, तो उस कागज को दूसरों दिखाने की हिम्मत नहीं होगी, ऐसे ऐसे विचार आ जाएंगे, कहाँ कहाँ के खुराफाती विचार, और उसी में मन जा रहा है। क्यों जा रहा है, कि हमने उनको ज़्यादा मूल्यवान समझ लिया है। एक बात का ध्यान रखना होगा हम लोगों को, मन जिसको ज़्यादा मूल्यवान समझता है उसी का चिंतन करता है। ध्यान में मन क्यों नहीं लगता, इसलिए कि ध्यान का मूल्य अभी समझ में नहीं आया है। मूल्य तो समझ में आया है, पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का, रुपये, मकान का, दुकान का, शरीर का, तो जिसका मूल्य समझ में आएगा मन उसी को तो सोचेगा, उसी को तो महत्व देगा। जिस दिन ध्यान साधना का मूल्य समझ में आ जाएगा उस दिन मन उसी के बारे में सोचेगा, मन फिर रुक जाएगा, बाहर नहीं भागेगा। अभी मूल्य हम मानते हैं दुनिया की वस्तुओं का, शरीर का, संसार का, शरीर संसार का मूल्य है जीवन निर्वाह के लिए और सेवा के लिए, सेवा और जीवन निर्वाह इन दोनों को छोड़ करके प्राणी और पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं है, सेवा करें, निर्वाह लें, फिर जो समय बचे आत्मचिंतन में लगाएं। लेकिन ऐसा कहाँ होता है,
क्योंकि महत्व समझ में आ रहा है बाहर के प्राणी पदार्थों का। इसलिए स्वामी शंकराचार्य कहते हैं अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कस्मलम दुख कारणम, अनात्म चिंतन का त्याग करें। अपने से जो कुछ अलग है सब अनात्मा है, उनके चिंतन का त्याग। क्यों? कश्मलम दुख कारणम, वो कश्मल मुंह सम्मोहन मूर्छा का कारण बनेगा और दुख का कारण बनेगा। चिंत्यमात्मन ऐसा है यन मुक्ति कारणम, उन्होंने कहा है कि आनंद रूप आत्मा का चिंतन करें जो मुक्ति का कारण बनेगा। आत्मचिंतन तो सदगुरु कबीर की पंक्ति पर हम आते हैं, कबीरा तेरो घर कंदरा में, ए लोगों तुम्हारा घर तुम्हारा विश्राम स्थल तुम्हारा मोक्ष धाम बाहर कहीं नहीं है, वो कहाँ है? हृदय गुफा में। हृदय गुफा भी शरीर संबंध से हम कह सकते हैं। अनुभव जिसको भी होगा हृदय में ही होगा, बाहर अनुभव नहीं होगा। बाहर का जो अनुभव होगा वह विषयों का होगा, अपने से अलग का अनुभव होगा। और बाहर का अनुभव में जो कुछ आएगा वो कभी हमारा अपना आपा हो नहीं सकता, वो छूट जाएगा। तो उसमें विश्राम कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी? इसलिए लौटे अपनी ओर। हृदय में जो बैठा हुआ आत्म तत्व है उसका बोध प्राप्त करें, उसको जाने। लेकिन यह जग रहत भुलाना, सदगुरु कहते हैं अपनी दुनिया के लोग तो भूले हुए हैं, बाहर खोजते हैं। लेकिन बाहर खोज करके किसको मिला है? खोजते खोजते जिंदगी बीत जाती है, किसी को मिला? यह जग रहत भुलाना, दुनिया के लोग भूले हुए हैं, अपनी ओर लौट करके नहीं आते। गुरु की कही करत नहीं कोई अमहल महल दीवाना, सदगुरु कहते हैं कि गुरु का कहना कोई मानता नहीं है। अमहल महल दीवाना, अमहल और महल दोनों दीवाने बने हैं। अमहल घर रहित विरक्त त्यागी सन्यासी साधु महात्मा, महल घर में रहने वाले अर्थ है गृहस्थ। गृहस्थ और विरक्त दोनों दीवाने बने हैं, दोनों पागल बन करके दौड़ रहे हैं बाहर। वहाँ परमात्मा मिलेगा, वहाँ परमात्मा मिलेगा, वहाँ परमात्मा मिलेगा। आप जाएं देश काल का ज्ञान करने के लिए, संतों महात्माओं ज्ञानियों विद्वानियों की संगत करने के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, मन के बहलाव के लिए तीर्थों में जाएं, मंदिरों में जाएं, गंगा नहाएं, इनका खंडन नहीं है। लेकिन तीर्थों में जा करके या कहीं अमुक जगह जा करके परमात्मा मिल जाएगा, भ्रम है। किसी तीर्थ में परमात्मा होता तो तीर्थ में रहने वालों को तो मिल गया होता। यदि प्रयाग में परमात्मा होता तो प्रयाग वालों को मिल गया होता, गया होता तो वहाँ वालों को मिल गया होता। लेकिन जो आदमी जहाँ है वहाँ विश्वास नहीं होता है, इसीलिए शिव जी से कहलवाया गया है पार्वती के प्रति, मानो ऐसा लगता है कि कबीर साहब ही कह रहे हैं। कबीर वाणी में शिव जी कहते हैं इदम तीर्थम भ्रमंति तामसा जन, आत्म तीर्थम ना जानाति कछम मोक्ष श्रुणु प्रिय। यहाँ तीर्थ है, वहाँ तीर्थ है, यहाँ परमात्मा मिलेगा, वहाँ परमात्मा मिलेगा, ऐसा मान करके तामसी मूढ़ लोग भटक रहे हैं।
है पार्वती, आत्मतीर्थम ना जानात। लोग आत्मतीर्थ को नहीं जानते तब इनका मोक्ष कैसे होगा? आत्मतीर्थ को जानना होगा, स्वयं को जानना होगा। तो आप तीर्थों में जाएं, वहाँ जाने से देश काल का ज्ञान होगा, अनेक क्षेत्र के लोग आए होंगे, उनकी संस्कृति उनकी सभ्यता का ज्ञान होगा, राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी, राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी, बहुत कुछ जानने समझने में आएगा। ये बात अलग है, लेकिन वहाँ परमात्मा आपको मिल जाएगा भ्रम है। तो अमहल महल दीवाना, अमहल और महल, विरक्त और गृहस्थ सब दीवाने बने हैं। हमें परमात्मा बाहर से मिलेगा, लेकिन ये नहीं सोचते परमात्मा मिलेगा तो कैसे मिलेगा। बाहर से मिलने के लिए हमारे पास साधन क्या है? आँख, नाक, कान, जीव, त्वचा और मन, ये छह साधन हैं हमारे पास। आँख से मिलेगा रूप होगा, कान से मिलेगा शब्द होगा, नाक से मिलेगा गंध होगी, जीव से मिलेगा स्वाद होगा, त्वचा से मिलेगा कठिन कोमल स्पर्श होगा, मन से मिलेगा संकल्प विकल्प होंगे। परमात्मा कैसे होगा? थोड़ा विचार तो करें। गोस्वामी जी भी कहते हैं, देखी सुनी गुनी मनमाही, मोह मूल परमारथ नाही, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। जो देखने में सुनने में गुनने में आएगा वो मोह का कारण बनेगा, परमार्थ का कारण नहीं होता, वो परमार्थ हो नहीं सकता। मन और इंद्रियां जहां तक जाती है सो सब माया जानो भाई, वो सब माया है। लेकिन सब दीवाने बने पागल बन करके भटक रहे हैं, क्यों? क्योंकि गुरु की कही करत नहीं कोई। गुरु का कहना, गुरु का निर्देश कोई मानता नहीं है। गुरु का निर्देश क्या है? अंतर्मुख होने के, अपनी तरफ लौटने का निर्देश है। इसे लौटें अपनी तरफ, बहुत भटक लिए बाहर, बहुत भटक लिए, अब बाहर न भटकना बंद, लौटना होगा। और लौटना भी क्या है? दृष्टि घुमाना है, बस समझना है। जो अनात्म चिंतन है उसका त्याग कर देना है, जहां है वहीं रहे, केवल दृष्टि बाहर से लौटा करके अंतर्मुख कर लेना है। गुरु जी ने लिखा है एक जगह कि हम समुद्र के किनारे जाएं और समुद्र की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं, क्या होगा? जहां तक हमारी दृष्टि जाएगी पानी 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 ही दिखाई पड़ेगा, और लगेगा कि दूर क्षितिज में जाकर नीला आकाश और नीला पानी एक में मिल रहे हैं। मिलते नहीं हैं लेकिन भ्रम होता है, ऐसे दिखाई पड़ता है। तो समुद्र की तरफ मुंह करके खड़े हों तो जहां तक दृष्टि जाएगी हमारी केवल पानी 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 ही दिखाई पड़ेगा, थल दिखाई नहीं पड़ेगा, पेड़ पौधे दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन वहीं पर खड़े खड़े समुद्र की तरफ आप पीठ कर लीजिए, फिर क्या दिखाई पड़ेगा? थल 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 दिखाई पड़ेगा, जमीन जमीन ही दिखाई पड़ेगी, पानी दिखाई नहीं पड़ेगा, जगह वही है, दृष्टि बदल गई बस। ऐसे ही कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अमुक जगह जाएंगे तब होगा, अमुक आश्रम में जाएंगे तब परमात्मा मिलेगा। किसी आश्रम में परमात्मा नहीं है, हाँ आश्रम में संतों का निवास होता है, संत यहाँ रहते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं, तो वातावरण अच्छा रहता है।
तो किसी आश्रम में जाने पर मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, संतों से मिलते जुलते हैं तो ज्ञान की बातें सुनने को मिलती है, प्रेरणा मिलती है। इसलिए आश्रम का अपना महत्व है, लेकिन आश्रम में परमात्मा नहीं मिलेगा आपको। क्या महात्मा ने परमात्मा को छिपा कर रख लिया है कहीं पर? जाएंगे थोड़ा सा आपको भी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छा प्रभाव, प्रेरणा मिलेगी बस। तो अमुक जगह जाने पर मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, जहां है वहीं आपको मिलेगा। केवल समझना है और समझ करके रुकना है। लेकिन सद्गुरु कबीर कहते हैं, गुरु की कही करत नहीं कोई अमहल महल दीवाना। गुरु का कहना कोई नहीं मानता। गुरु कहते हैं विषयों का त्याग करो, बाह्य चिंतन का त्याग करो, लौटो अपनी ओर। लेकिन सब दीवाने बन करके बाहर भटक रहे हैं, कैसे मिलेगा? गुरु की कही करत नहीं कोई अमहल महल दीवाना। सकल ब्रह्म मोहंत कबीरा, आगे आगे पंक्ति हो गया। कबीरा तेरो घर कंदरा में यह जग रहत भुलाना, गुरु की कही करत नहीं कोई अमहल महल दीवाना। सकल ब्रह्म मोहंत कबीरा काकर सकल ब्रह्महन कबीरा कागन चोंच पसारा, मनमत कर्म धरे सब देही नाद विस्त विस्तारा। सकल ब्रह्महंस कबीरा, साहब कहते हैं जितने जीव हैं सब ब्रह्म रूप हैं, इनको छोड़ करके आपको ब्रह्म और कहाँ मिलेगा, परमात्मा और कहाँ मिलेगा, किस रूप में मिलेगा? बाहर यदि परमात्मा को देखना है तो प्राणियों में देखें, सगुण साकार परमात्मा और निर्गुण निराकार परमात्मा। परमात्मा के दो भेद माने जाते हैं, कबीर साहब का सगुण और साकार परमात्मा ये प्राणियों का स्वरूप है। ये प्राणियों के स्वरूप को ही वेदों में विराट पुरुष कहा गया है, और कोई विराट पुरुष नहीं है। एक एक व्यक्ति व्यस्त और सबकी सामूहिकता समष्ट। तो बाहर का परमात्मा सगुण साकार परमात्मा ये प्राणियों का समूह। इसी के लिए सद्गुरु कबीर ने कहा कि खुले नैन हाथ हाथ पहचानो सुंदर रूप निहारो। परमात्मा को देखने के लिए मुझे आँख कान नाक बंद करने की आवश्यकता नहीं, खुले नेत्रों से मैं जहाँ देखता हूँ सुंदर रूप दिखाई पड़ रहा है मुझे। सगुण परमात्मा ये प्राणियों का समूह, इसको छोड़ दें तो आपको सगुण परमात्मा और कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन सगुण परमात्मा को हमने चित्रों या मूर्ति में केंद्रित कर रखा है। चित्र और मूर्ति किसी महापुरुष की प्रतिकृति है, किसी महापुरुष की मूर्ति है या उनका चित्र है, तो उनको देखने से मन में सात्विक भावना आती है। उस महापुरुष के ज्ञान गुण त्याग तप की याद आती है, एक अच्छी प्रेरणा मिलती है ऐसे चित्र देखने से। अब उसमें परमात्मा केंद्रित कर दिए, आपकी भावना है। असली परमात्मा प्राणियों में, इस सगुण परमात्मा। निर्गुण परमात्मा हृदय निवासी, हृदय में बैठा हुआ है, जो चेतन है वो निर्गुण परमात्मा है, क्योंकि वो सतरसतम इन तीनों गुणों से रहित। उसके लिए साहब ने कहा, तेरा साहब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। तेरा जो साहब है, तेरा जो परमात्मा है, वो तो घट के भीतर बैठा हुआ है, बाहर नेत्रों को खोल करके चकर मकर क्या देखता है। सगुण परमात्मा प्राणियों का समूह, निर्गुण परमात्मा अपना आत्मस्वरूप। यहाँ साहब कहते हैं सकल ब्रह्म मोहंस कबीरा, जितने भी प्राणी हैं सब ब्रह्म रूप है, लेकिन कागन चोंच पसारा, इसमें देहोपाधि से
कोई हंस है और कोई कौवा है। चेतन जीव की मौलिकता में अंतर नहीं है, जीव मात्र मौलिक रूप में एक समान है। फर्क कहाँ है? शरीर संबंध से। शरीर संबंध से कोई हंस है और कोई काग है, कौवा है। जो हंस है वो निर्छीर का विवेक करता है, आत्मा अनात्म का विवेक करता है, स्वपर का विवेक करता है, सार असार का विवेक करता है। और विवेक करके निर को, अनात्म को, असार को, असत्य को छोड़ करके क्षीर को, सार को, सत्य को, आत्म को ले लेता है। हंस की पहचान यही है, दूध पानी मिला हुआ है तो दूध ले लेना, पानी को छोड़ देना। ऐसे ही वह मनुष्य विवेकी है, आत्मा अनात्मा का विवेक करके आत्म को ग्रहण कर लेना और अनात्मा का त्याग कर देना, अनात्मा की आसक्ति का त्याग कर देना, वो हंस है। कागन चोंच पसारा दूसरे वे लोग होते हैं जो कौवे के समान होते हैं। कौवा हर गंदी जगह गंदी चीज में चोंच मारता है, कर कर बोलता है। ऐसे ही मनुष्यों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके यहाँ खाद्य अखाद्य का कोई विचार नहीं है, सब कुछ खाते पीते चले जा रहे हैं, अनात्मा और आत्मा का कोई विचार नहीं है, उनके लिए सब कुछ ग्रहण करने योग्य है। तो ये फर्क क्यों हुआ? देहोपाधि से हमें सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर में विवेक की भूमिका है। सद्गुरु कबीर ने तो मनुष्य के लिए अनेक बार हंस शब्द का प्रयोग किया है, आप सब हंस हैं, मौलिक रूप में आप हंस हैं, कोई बैठा हुआ जो भी है वो कोई काग नहीं, कौवा नहीं है, आप हंस हैं। अपने हंसत्व को भूल गए हैं, बस इसीलिए भटक रहे हैं, इसीलिए दुखी बने हुए हैं। अपने हंसत्व को पहचाने, हंस बने और सार असार का निर्णय करके, आत्मा अनात्मा का निर्णय करके, असार और अनात्मा को छोड़ करके सार और सत्य को ग्रहण करें। इसी में मनुष्यता है, यही मौन मनुष्य जीवन की सार्थकता है। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा तेरो घर कंदरा में, ऐ लोगों तुम्हारा घर, तुम्हारे निवास स्थल हृदय गुफा में है। अंदर लौटें, मन को निर्मल करें, शुद्ध करें, शुद्ध मन में, निर्मल मन में ही उसका अनुभव होगा। सारी साधनाओं की साधना यही है, हम जो कुछ करें मन की निर्मलता के लिए, मन की पवित्रता के लिए, और फिर जो चाहते हैं वह तत्काल उपलब्ध हो जाएगा। इन्हीं वचनों के साथ इस समय अपनी वाणी को यहीं पर विराम।